तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बात करता हूं दोस्तों प्रमालू मूवी की। प्रमालू मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है एंड यहां पे मूवी को डायरेक्ट किया है भाई गिरीश साहब ने और लिखा भी इन्होंने। ये मूवी की स्टारकास्ट बता दूं, नसलेन गफूर, ममिता बायजू, संगीत प्रताप एंड श्याम मोहन, अखिला भार्गव एंड मैथ्यू थॉमस। इनके नाम मुझे ध्यान नहीं थे इसीलिए मैंने आपको पढ़ के बताया। फिलहाल देखो मूवी मैंने देख ली। आए दिन ट्विटर पर इस मूवी को दोस्तों ट्रेंडिंग पर लगाया जा रहा है और मैं यहाँ पे क्यों इस मूवी को देख पाया भाई, मैं जब ये देखा कि प्रमालू भाई भाई ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मैंने फटाफट गया डिज्नी हॉट स्टार को यहाँ पर रिचार्ज किया और मूवी देख डाली। भाई ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ गया देख के। मूवी का स्क्रीन प्ले इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई स्क्रीन प्ले है इस मूवी का। एंड यहाँ पर जिस तरीके से मूवी की स्टोरी को रखा गया भाई हिला के रख देगा, मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार क्या स्टोरी है, मतलब मज़ा आएगा देखने में। एक एक सीन को ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया और आप लोगों को कहीं पर भी भाई, मैं जब देखने बैठा ना मूवी को, दो घंटे चौंतीस मिनट की मूवी है, मैं कहीं पर भी किसी भी सीन में बोर नहीं हुआ, मुझे नींद कहीं पर भी नहीं आई। मैं 2 घंटे 34 मिनट अपने लग रहा है कि हाँ मेरे सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इस मूवी को देखते हैं OTT पर भी तो आपके 2 घंटे 34 मिनट कहीं से कहीं तक भी बोर नहीं होंगे और आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि यार हमने क्यों यहाँ पे वेस्ट कर डाले। मूवी की कहानी दोस्तों कुछ इस तरीके की, दोनों जो है भाई कुछ ज़्यादा ही एक इनकी मिस्ट्री है एंड भाई डेस्टिनी इनको कैसे मिलाती है। ये जो बंदा है ये अपने एरिया में किसी अपने स्कूल की जो है लड़की को पसंद करता है और उसको जो है बोलने चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाई वो लड़की किसी और को पसंद करती है, यानी कि इसको लूज़र बोल के वो चली जाती है। ये निराश हो जाता है और अपने घर वालों को बोलता है कि भाई मैं जो है वहाँ जाके पढ़ना चाहता हूँ। फिर अपने दोस्त के साथ ये आता है किसी दूसरे शहर में, वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई भी करता है और एक जगह नौकरी भी करता है। फिर ले देके इसके दोस्त की यानी कि शादी होती है कहीं पर, तो ये वहाँ जाते हैं तो इस लड़की से इनकी मुलाकात हो जाती है। अब किस तरीके से इन दोनों की जर्नी चलती है, क्या एंड में होता है, क्या ये दोनों मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, या वो लास्ट में इनको भाई बोलेगी या फिर इसको अपना पति बोलेगी, जो भी है बराबर, ये आप लोगों को मूवी में देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जर्नी जो दिखाई गई ना इन दोनों की लास्ट तक, भाई ऑसम है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया मूवी दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आई है मलयालम इंडस्ट्री की, और मलयालम इंडस्ट्री दोस्तों यहाँ पे छाई पड़ी है, कंटेंट के मामले में ज़बरदस्त है भाई। मूवी इतना अच्छा दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस दे गई है ये मूवी, और इसी वजह से इस मूवी को जल्दी से जल्दी OTT पर रिलीज़ किया गया ताकि यहाँ पे हर एक आदमी इस मूवी को देख सके। फिलहाल अब मैं बात करता हूँ आवेशम मूवी की। आवेशम मूवी ने यहाँ पे इंडिया से नेट कितना किया एंड यहाँ से ओवरसीज से कितना किया। सबसे पहले मैं आपको इंडिया से नेट कलेक्शन इसका बताता हूँ कि क्या चल रहा है। देखो भाई आज है इस मूवी का चौथा दिन और चौथे दिन में अभी तक इस मूवी ने यानी कि अभी आफ्टरनून तक 1.74 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। मैं आपको डे वन से बताता हूँ, डे वन में थर्सडे में इस मूवी ने 3.65 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, डे टू में क्या 3.35 करोड़ का, डे थ्री में क्या 4.25 करोड़ का यानी कि कल का, एंड आज जो मैंने आपको बताया टोटल दोस्तों अभी तक 13 करोड़ के आसपास इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है आवेशम की। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ वर्षा गोलू सेशम की, भाई फर्स्ट डे में इस मूवी ने किया 3.05 करोड़, सेकंड डे में किया 2.75 करोड़, थर्ड डे में किया 3.4 करोड़, फोर्थ डे यानी कि अभी तक 1.44। ये मूवी भी दोस्तों 10 करोड़ 60 लाख के आसपास अभी तक मूवी कर चुकी है। बात करें देखो इन दोनों ही मूवी की भाई ओवरसीज़ का कलेक्शन, ओवरसीज़ दोस्तों क्या कह रहा है, देखो वर्षा गोलू सेशम ने शुरू के 2 दिनों में केरला से 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया एंड रेस्ट ऑफ इंडिया 1.15 करोड़, टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 6.9 करोड़, ठीक है। ये तो UAE ग्रॉस कलेक्शन $1.4 मिलियन, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड $1.60 टोटल, ओवरसीज $1.56 यानी कि 13 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने की, टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 19.9 करोड़ यानी कि 19 करोड़ 90 लाख, 20 करोड़ दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलो 20 करोड़। एंड यहाँ पे आवेशम की बात करूँ तो डे वन में $52.316, डे टू में $77.05 एंड डे थ्री में भाई लगभग 11 बजे तक $100 के आसपास, यानी कि टोटल यहाँ पे ग्रॉस कलेक्शन इसका $229.37 यानी कि 1.91 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास इस मूवी ने दोस्तों यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। एंड यहाँ पे ओवरसीज एंड भाई इंडिया में ये मूवी धीरे धीरे इस तरीके से फैल रही है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कोरोना वायरस फैला था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मलयालम इंडस्ट्री इस टाइम पे इतना तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि जिसकी कोई भाई यहाँ पे
कुछ कहना ही यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि भाई क्यों कह दिया है वो तो हमें पता है। एंड यहाँ पे बात करूँ भाई ममूती साहब की, ममूती साहब की दोस्तों यहाँ पे टर्बो मूवी का अपडेट आने का एक भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा जो है र्यूमर बन रहा है। देखो उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्बो से रिलेटेड आज या कल में आ सकता है। बात करें देखो आने वाली मूवीज़ की, आने वाले टाइम में देखो यहाँ पे अभी 26 और 26 अप्रैल में भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं। एंड यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन की आधु जीविता में भाई वो भी ज़बरदस्त काम कर गई, उससे पहले मंजूमल बॉयज थी वो भी यहाँ पे दोस्तों काफ़ी जो है अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर गई। तो इस तरीके से दोस्तों बात करें तो भाई देखो एक जो मलयालम इंडस्ट्री है काफ़ी तेज़ी आगे बढ़ रही है। एंड देखो इनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि ये थिएटर में डब्ड यहाँ पे रिलीज नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो उनका कहना यह है कि हम लोग अपनी ही लैंग्वेज में इस मूवी को रिलीज करेंगे, बाकी अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन OTT पे इस मूवी को दोस्तों डब्ड में रिलीज़ किया गया है। एंड जो ममूती साहब की एक मूवी है ब्रह्मयुगन वो भी सोनी लिव पे पड़ी हुई है, भाई जिसको भी देखनी है जाके देख सकता है। ये है डिज्नी हॉटस्टार पे ममूती साहब की मूवी सोनी लिव पे पड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मयुगन, जाओ जाके देखो और यहाँ पे मजे लो। और मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कौन सी मूवी जो है अच्छी लगी और कौन सी आपने देखी। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।